पड़ की तरफ से और ये तीसरा थप्पड़ ऋषि की तरफ से उसे धोखा देने के लिए। एक थप्पड़ की गूंज की कीमत तुम क्या जानो मलाइका, आज तो तुम पर थप्पड़ों की बारिश हो रही है। और ये थप्पड़ों की गूंज तनु के हर उस आंसू का बदला ले रही है जो दर्द मलाइका ने तनु को दिए थे। के साथ साथ मलाइका की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया तनु के प्यारे ऋषि ने। हाँ ऋषि, जेल जाने के लिए तैयार हो। मलाइका मेरी गर्लफ्रेंड है। शेखर को हाथ लगा करके दिखाया तो उसका हाथ तोड़ दूंगी मैं। ये मेरा शेखर, मेरा प्यार, मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन ये ऋषि इसने शेखर का सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। जय हो मदर इंडिया। ये कौन है? ऋषि, ऋषि का देखो बात ऐसी है कि ऋषि मुनि जो है वो पर्वत पर चले गए तपस्या में, यही चाहते थे ना। एक पिक्चर तुम लोगों ने बनाई, एक पिक्चर मैंने बनाई, बस फर्क इतना है कि आज प्रीमियर मैंने सबके सामने किया। पंडित जी प्रणाम, आपका रोल समाप्त हुआ। जिस तरह से उन्होंने कहा कि तुम एक लड़के के साथ थी, कि मतलब उसने तुम्हें घर के साथ देखा तो उसने देखा, उसने मुझे ये कहा कि उसने तुम्हें करना चाहो के लिए इस शेखर के साथ है, तो मतलब उसने देख, मैंने उसके हर एक बात पर विश्वास किया, हर एक शब्द पर भरोसा किया। मेरी प्यारी सीमा को अपने मन में कर दिया, बेचारी कुछ बोली पर नहीं, मतलब मेरी दुश्मन नहीं, दिल बहुत है, बहुत प्यारी हो जाए। निकल घर, ए बुढ़िया, ये घर की मालकिन मैं हूँ, शादी तो कभी हो ही नहीं पाती, दुल्हन तो मैं बनती रहती हूँ ऐसे ही। कहानी में बहुत मेजर ट्विस्ट आने वाला है और आई थिंक बहुत लोग, बहुत फैंस, बहुत व्यूअर्स चाहते थे कि कहानी में ट्विस्ट आए। बहुत टाइम से हम भी चाहते थे कि कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो और अब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। तो आई थिंक उम्मीद है कि कसम तेरे प्यार की जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है इतने महीनों से, वापस से जो है हम कोशिश करेंगे टॉप थ्री में आने की। बहुत जद्दोजहद चल रही है प्रोडक्शन की, राइटर्स की, डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की। वाकई सीरियल में ये ट्विस्ट लाने के लिए ऋषि ने बड़ी मेहनत की है। सीरियल के ट्विस्ट के साथ साथ ऋषि अपने लुक में भी ट्विस्ट ले आए और एकदम पंजाबी मुंडा बनकर अपने शब्दों के साथ साथ अपने लुक से भी लोगों को घायल कर गए। जहाँ ऋषि का ये पंजाबी मुंडे का अवतार सबको खूब लुभा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मलाइका भी खिसियानी बिल्ली बन गई है। उसका भांडा क्या फूटा, वो तो सरेआम धमकी देने पर उतर आई एकदम सीरियल की टिपिकल वैम की तरह। You never know. This is a daily soap. हम भी नहीं कह सकते, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि कितनी बार re-entry होगी और कितनी बार exit होगी, तो that तो even I don't know. देखिए वो 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 एक वो उसके पीछे तो भाई आपको देखना पड़ेगा, but definitely ये मिली भगत है
ऋषि और पापा जी की, इतना मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल ऋषि, इसी से तो शो की टीआरपी बढ़ेगी, क्योंकि ये सस्पेंस लोगों को सताएगा कि आखिरकार मलाइका फिर से ऋषि और तनु को किस तरह दूर करती है। अभी अभी तो ऋषि और तनु पास आएंगे, लेकिन राइटर ने दूरियों की वजह पहले से तय कर दी है, और वो वजह मलाइका के अलावा कोई और तो हो ही नहीं सकता। मुंबई से सोमा वैद्य के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।